जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है डायमेंशन मेथड की, वो क्या है, डायमेंशन ऑफ ए फॉर्मूला। देखो हमें डायमेंशन की हेल्प से कोई फॉर्मूला भी डेरिव कर सकते हैं। कैसे, देखो जैसे कि मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मान लीजिए जैसे कि इसको एग्जाम्पल के से ही समझते हैं, और इसमें भी सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई हो रहा है। देखो मान लीजिए टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई g, ये एक इक्वेशन होती है। जैसे आपने लास्ट एप्लीकेशन में पढ़ा था t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई g, ये जो फॉर्मूला होता है ये किसके लिए होता है, ये होता है पेंडुलम के ओसिलेशन के लिए, टाइम पीरियड ऑफ ए ओसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम, है ना। t इज द टाइम पीरियड ऑफ द ओसिलेशन ऑफ पेंडुलम, L इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम की लेंथ मतलब जो स्ट्रिंग यूज हुई है उसकी लेंथ, और जी क्या होता है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, है ना, ये होता है। तो अगर मान लीजिए भाई हमारे पास एक पेंडुलम, ये पेंडुलम है ना, ये रोप है, ये पेंडुलम, ठीक है, ये मास है, वो है, ठीक, ओके, ये लेंथ हो गई, ठीक भाई। अब देखो भाई पास हो, अब ये जो पेंडुलम है ये ओसिलेट कर रहा है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है कि जो टाइम पीरियड होगा वो और इसकी लेंथ में, इसके जो मास में, भैया इसका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, ठीक, पॉइंट मास है, तो वो रिलेशन क्या होगा। तो इसमें जो डायमेंशन अप्रोच है वो भी हेल्प करती है। देखो कैसे करती है, तो देखो हमें पता है कि जो टाइम है, टाइम पीरियड है ना, वो किस किस पे डिपेंड कर सकता है, किस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर सकता है, वो मान लीजिए डिपेंड कर सकता है एम के ऊपर, है ना भाई। देखो इस पेंडुलम में क्या क्या है, पेंडुलम में एक रोप है, मास है, एंड वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिससे वो इंटरेक्ट हो रहा है, ठीक। ये जो पेंडुलम है, देखो पेंडुलम का जो ओसिलेशन है वो किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ओके। दूसरी बात, वो इसमें मास भी है, तीसरी बात इसमें लेंथ भी है, ना, तो हमें तीन फैक्टर दिखाई दे रहे हैं। देखो और भी फैक्टर हो सकते हैं, एयर रेजिस्टेंस, लेकिन उसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं अभी, ठीक। तो मेनली हमें तीन फैक्टर दिख रहे हैं, एक तो मास ऑफ द रोप, एक लेंथ ऑफ द रोप, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो ग्रेविटी, लेंथ और मास, तीन चीजें दिखाई दे रही है जिसके ऊपर टाइम पीरियड ऑफ द ओसिलेशन ऑफ पेंडुलम डिपेंड कर सकता है, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता, देखो हमें ये पता है, देखो ये फॉर्मूला हम डेराइव करेंगे, हम जानते नहीं इस फॉर्मूले के बारे में। देखो हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्या है, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला डेरिव करना है, हमें सिर्फ ये पता है हमारे पास ये सिस्टम है, पेंडुलम सिस्टम है, जैसे जो हमने एग्जाम्पल उठाया है इस एग्जाम्पल में, हमारा जो सिस्टम है वो क्या, पेंडुलम है। अब पेंडुलम है उसमें क्या क्या फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, लेंथ हो सकती है, मास हो सकती है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, ये तीन जो फैक्टर है, ठीक। अब लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जो टाइम पीरियड होगा वो मास पे कितना डिपेंडेंट है, मतलब कितने मास के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, मास के क्यूब पे डिपेंडेंट है, मास की पावर 5 के ऊपर डिपेंडेंट है, कितना, ये नहीं पता हमें। तो वो हम निकालेंगे इस डायमेंशनल अप्रोच से। देखो कैसे, तो मान लीजिए हमें तीन फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, मास, लेंथ ऑफ द रोप, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, भाई ये तीन फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मास ऑफ द रोप, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तीन फैक्टर है जिसके ऊपर टाइम पीरियड ऑफ द ओसिलेशन ऑफ पेंडुलम डिपेंड करता है, ओके। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड होगा दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द मास। अब कितना डिपेंडेंट है वो हमें नहीं पता, तो मास ये पता भी मास ऊपर डिपेंडेंट है, कितना डिपेंडेंट है ये नहीं पता, तो उसके लिए हमने पावर ले ली ए, है ना, मास की पावर क्या ले ली, ए, कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ द ओसिलेशन ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ पावर ए, ओके। और दूसरा फैक्टर हमें दिखाई दे रहा है लेंथ, तो मान लीजिए टाइम पीरियड है दैट इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन द लेंथ, ठीक है। अब कितना डिपेंडेंट है ये भी नहीं पता, तो इसकी हमने पावर ले ली बी वाई, ठीक। थर्ड फैक्टर है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंडेंट हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। अब इन तीनों चीजों को जोड़कर, मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, इन तीनों चीजों को जोड़कर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, एल की पावर बी, एंड जी की पावर सी। ये फैक्टर बढ़ गया हमारे पास भाई, एम की पावर ए, एल की पावर बी, और जी की पावर सी। ए बी सी आर द मतलब एक प्रकार से फैक्टर्स है, फैक्टर की जो डिपेंडेंसी है वो है ना।
जैसे जो टाइम पीरियड वो मास के ऊपर डिपेंडेंट है, टाइम पीरियड लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है, टाइम पीरियड जी के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये कितना डिपेंड है, कितनी डिपेंडेंसी है, वो एबीसी दिखा रहा है। तो हमें फॉर्मूला निकालने के लिए एबीसी की वैल्यू निकालनी है। चलो देखते हैं इसमें क्या होगा। तो भाई हमारे पास आ गया टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी। ओके, ये जो एम एल जी और टी है, ये चार क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी इन क्वांटिटी पे डिपेंड है, ठीक। तो इनकी बीच रिलेशन निकालना है। तो भाई सबसे पहले तो ये बताओ, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको हटाकर हम क्या लगाते हैं, कॉन्स्टेंट लगाते हैं। जब इज इक्वल टू लगाना होगा तो क्या लगाना पड़ेगा, के कॉन्स्टेंट लगा दिया। मान लीजिए के इज द डिनोटेशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है इसका, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई इक्वेशन है, अगर कोई इक्वेशन है, कोई फॉर्मूला है, वो करेक्ट तब होगा जब वो डायमेंशनली करेक्ट है। अगर देखो अब हमारे पास ये इक्वेशन है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये राइट हैंड साइड होगी। लेफ्ट हैंड साइड में इस इक्वेशन में टी है, टाइम है, राइट हैंड साइड में के कॉन्स्टेंट, एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी, और एम एल और जी क्या है, मास लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो ठीक है, अब अगर ये सही है तो सही है, तो ये सही कब होगी, जब डायमेंशनली सही है। और डायमेंशनली सही करके देख लो भाई, तो टी है, टी की पावर टी है, टी क्या है, बेस क्वांटिटी, टाइम, टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एम जीरो एल जीरो और टी की पावर वन, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर टाइम, ठीक है। चलो आगे, अब देखो भाई के है वो कॉन्स्टेंट है, और ये जो के कॉन्स्टेंट होगा दैट विल बी ए नंबर, है ना, एक दो तीन चार पांच छह दस हजार करोड़, ये नंबर होगा। और ये जो नंबर होते हैं ये डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट होते हैं, मतलब इनका कोई डायमेंशन है ही नहीं, ठीक है। तो इसको नेगलेक्ट करते हैं। अब देखो एम, एम इज ए फिजिकल क्वांटिटी एंड दैट इज ए बेस क्वांटिटी, मास, है ना, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसके लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एम जीरो सॉरी एम वन एल जीरो टी जीरो की पावर के, करेक्ट है भाई, ठीक है। अब एल क्या है, लेंथ, लेंथ इज आल्सो बेस क्वांटिटी, लेंथ इज आल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसके लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एम जीरो एल वन, है ना भाई, लेंथ में तो एल आएगा, मास थोड़ी आएगा ना, टाइम आएगा, तो टाइम पावर भी क्या होगी, जी, और इसकी पावर क्या होगी भाई, बी, ठीक है। और तीसरा है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पिछले एग्जांपल में भी हमने डिस्कस किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, भाई तो एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन रहेगा, है ना, जो ग्रेविटी की वजह से हो, चाहे स्पीड की वजह से हो, चाहे फ्रिक्शन की वजह से हो, किसी की वजह से एक्सेलरेशन हो, लेकिन उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्सेलरेशन वाला रहेगा। और एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो ये फॉर्मूला बन गया एक्सेलरेशन का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम का स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट इज ए सिंपल लेंथ, तो लेंथ अपॉन में टाइम का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एम जीरो एल टी माइनस टू की पावर सी, ठीक है। ये क्या है, देखो देखो हमने क्या किया था, हमारे पास एक सिस्टम था, उसको हमने ये लेसन बनाया, और इसका ये जो फिजिकल क्वांटिटी था इनको हमने किस में लिखा है, एम एल टी की पावर में, मतलब डायमेंशन बेस क्वांटिटी की तरह। अब देखिए तो भाई देखो, एम की पावर वन है, यहां पर ए है, यहां पर जीरो, यहां पर जीरो, तो अगर देखे तो एम की पावर क्या होगी बेटा, ए नहीं होगी, होगी ना, एम की पावर क्या होगी, ए होगी, ठीक है। अब एल की पावर देखे तो यहां पर जीरो है, ठीक है, नॉट डिपेंडेंट, यहां पर एल की पावर वन है और यहां पर भी एल की पावर वन है, तो यहां पर एल की पावर क्या हो जाएगी, बी, और यहां पर एल की पावर क्या हो जाएगी, सी। तो एल की पावर क्या होगी बेटा, बी प्लस में सी, ठीक है भाई। यहां पर टी की पावर जीरो, हटाओ इसको, टी की पावर जीरो हटाओ, यहां पर टी की पावर क्या है, माइनस टू, और ऊपर क्या है, सी, तो पावर के ऊपर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो यहां पर हो जाएगी टी की पावर माइनस का टू सी, ठीक। तो ये बन रहा है नेट डायमेंशन फॉर्मूला, क्या बन रहा है, ये, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का इक्वल है तो उनका डायमेंशन फॉर्मूला, उनकी डायमेंशन भी क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो उनकी डायमेंशन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना। तो यहां पर अगर अब इक्वल है तो देखो इधर इधर की डायमेंशन क्या है, जीरो जीरो वन, इधर की डायमेंशन क्या है, ए बी प्लस सी और माइनस टू सी, ठीक है।
अब इक्वल करेंगे भाई, तो m की पावर इधर क्या है जीरो, इधर m का डायमेंशन क्या है a, तो a इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो। अब b देखें तो b प्लस सी क्या है जीरो, भाई b प्लस सी क्या है जीरो, तो दैट गिव्स b इज इक्वल टू माइनस का c। ओके अब d की पावर क्या है माइनस टू सी, तो माइनस टू सी किसके इक्वल होगा बेटा वन के इक्वल, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का हाफ। अब c की वैल्यू बेटा माइनस हाफ है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस हाफ, है ना, क्योंकि b क्या है माइनस c। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, a जीरो, b आया हमारा हाफ, और c क्या है माइनस हाफ। तो अगर यहां पर वैल्यू पुट करें तो p किसके इक्वल होगा बेटा k, है ना, p क्या हो जाएगा k, m की पावर जीरो, तो इसलिए कोई मतलब, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट l, L की पावर क्या है एक बटा दो, L की पावर क्या है B की वैल्यू आई एक बटा दो, और G की वैल्यू क्या है माइनस, और ये जो K होता है ये क्या होता है यहाँ पर 2π होता है। तो हमने ये फॉर्मूला डेराइव कर दिया, ठीक है। तो ये था डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हमने इसको इस जो डायमेंशनल अप्रोच थी उसको कैसे यूज किया है, देखो हमारे पास सिंपली क्या था, शुरू में पेंडुलम था, एक पेंडुलम था, और उस पेंडुलम में हमने क्या किया था भाई, पेंडुलम में हमें क्या निकालना था, हमें जो फॉर्मूला बनता है टी इक्वल टू 2π अंडर रूट एल बाय जी, है ना, ये फॉर्मूला है, ये निकालना है, हमें पता नहीं है इसका ऑलरेडी, ये इस फॉर्मूले का हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है देखो जो टाइम पीरियड होगा, देखो इस सिस्टम में पेंडुलम वाले सिस्टम में क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, इसमें लेंथ हो सकती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो सकता है, और जी हो सकता है, सॉरी मास हो सकता है भाई, तीन ही तो फैक्टर बन रहे हैं, लेंथ है रो की, उसको ज्यादा करेंगे कम करेंगे उसकी वजह से टाइम पीरियड में फर्क आ सकता है, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, वो उसका भी इफेक्ट हो सकता है, या फिर मास का भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें तीन फैक्टर दिखाई दे रहे थे, मास, लेंथ और जी, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो टाइम पीरियड था दैट इज आईटी प्रोपोर्शनल टू मास की पावर ए, मान लिया कि जो टाइम पीरियड है उसका मास ऊपर कितनी डिपेंडेंसी है ए, एल के ऊपर कितनी डिपेंडेंसी है बी, और जी के ऊपर कितनी डिपेंडेंसी है सी, ये मान के चले हम ए बी सी, हमने तीन ऐसे वेरिएबल लिए ए बी सी, सॉरी तीन ए बी सी हमने वेरिएबल लिए जिनकी वैल्यू हमें निकालनी, ओके ठीक भाई। तो ये टी इज इक्वल टू के एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी, ठीक। अब m क्या है मास, l क्या है लेंथ, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उनका हमने क्या लिख दिया डायमेंशन फॉर्मूला, m का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया, l का लिख दिया, g का लिख दिया, ठीक भाई। ऊपर इनकी जो पावर थी वो लिख दी। अब इन तीनों में हमें क्या करना है, m की पावर a, है ना भाई, ये जो पावर के ऊपर पावर है इनको आपने ऐसे लिखना है, m की पावर a, l की पावर b + c, t की पावर -2c, और फिर इनको बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज इक्वल है तो उनकी डायमेंशन बिल्कुल होंगे। तो सिंपल सी बात, इधर की डायमेंशन हमें पता था, तो ये जो बेस क्वांटिटी है मास, लेंथ, टाइम, इनके जो डायमेंशन है इनको हमने क्या कर दिया, इक्वल पुट कर दिया। इक्वल पुट करने से जो ये कांस्टेंट, सॉरी जो ये ए बी सी थी इनकी वैल्यू निकल के आ गई। तो इस केस में ए की वैल्यू क्या निकल के आई जीरो, बी की वैल्यू निकल के आई है प्लस हाफ, और सी की वैल्यू क्या आई है माइनस हाफ। तो अब बी की वैल्यू हाफ, सी की वैल्यू b की वैल्यू आप और c की वैल्यू माइनस आप, तो ये पुट करेंगे तो t क्या हो जाएगा अंडर रूट l by g, और k क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और k की वैल्यू क्या होती है बेटा 2π होती है। तो ये हमने ये डेराइव कर दिया फॉर, तो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन मेथड। तो डायमेंशन मेथड की भैया हमने तीन एप्लीकेशन पढ़ी है अब तक। पहली एप्लीकेशन क्या थी, पहली एप्लीकेशन ये पढ़ी थी कि एक सिस्टम से एक दूसरे सिस्टम में हम एक क्वांटिटी को हम चेंज कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। जैसे हमने क्या था कि 1 न्यूटन को हमने डाइम में चेंज किया था तो कितना आया था 10^5। दूसरा दूसरा जो यूज था अपना इसका डायमेंशन का वो ये था कि हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कोई फॉर्मूला गिवन है, कोई फिजिकल इक्वेशन गिवन है, तो हम बाय डायमेंशनली हम ये चेक कर सकते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो इक्वल है तो वो फॉर्मूला क्या रहेगा करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो दूसरी एप्लीकेशन वो थी चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। और थर्ड क्या है, डायमेंशन ऑफ ए फॉर्मूला, अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसके रिलेशंस है, मतलब उसकी डिपेंडेंसी है कि वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, तो हम क्या निकाल सकते हैं उनकी वो जो फॉर्मूला है उनके बीच में जो रिलेशन है वो निकाल सकते हैं। तो हमने यही किया है, जैसे हमने इस चीज को एक एग्जाम्पल समझा पेंडुलम वाले से, ठीक है।
अब इसमें एक दो बातों का और ध्यान रखना है। देखो हमने जो इसका जो सेकंड एप्लीकेशन पढ़ी थी डायरेक्शन मेथड की, वो क्या पढ़ी थी, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ ए इक्वेशन या फॉर्मूला ऑफ ये पढ़ी थी ना, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, कि कोई फॉर्मूला सही है गलत है वो हम चेक कर सकते हैं बाय डायमेंशन। दोनों साइड की डायमेंशन क्या कर लेंगे, निकाल के देख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड की, दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हम क्या देंगे। अच्छा कई बार क्या हो जाता है, देखो एम एल टी ये आइए मान लीजिए ये राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है और इधर राइट हैंड साइड में आ रहे एम एल टी, तो मान लीजिए ये ए आ गया, ये बी आ गया और ये सी आ गया, ठीक, और इधर भी ये ए आ गया, ये बी आ गया और ये कुछ अलग आ गया, मान लीजिए ये सी नहीं आया, तो भी वो डायमेंशन, वो जो फिजिकल इक्वेशन है, वो जो फॉर्मूला है, वो जो रिलेशन है, वो क्या होगा, गलत होगा। मतलब एम एल टी वो तीनों की जो डायमेंशन है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और भी अगर कोई, देखो अभी आपने नॉन मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी नहीं पढ़ी है, अब नॉन मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे तो उसमें जो और भी जो चार फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, जैसे ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट, टेम्परेचर, वो भी आ सकती है। तो वो जितनी भी बेस क्वांटिटी है उनके सबकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि मास का सेम आ रहा है, लेंथ का सेम आ रहा है तो काम चल जाएगा, वो हम उसको सही प्रूव कर देंगे, दैट विल बी रॉन्ग, और तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जो एक बात और ध्यान रखनी है, एक बात ये ध्यान रखनी है कि अगर कोई इक्वेशन, कई बार क्या होगा कि कोई इक्वेशन है वो डायमेंशनली सही है लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो फिजिकली बीच क्या हो सही हो, है ना। तो अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली रोंग है तो वो रोंग ही रहेगी, इफ डायमेंशनली रोंग इट विल बी रोंग, ठीक है। इफ डायमेंशनली इट इज राइट इट मे बी रोंग, है ना। कई बार क्या होता है, कई ऐसे रिलेशन बनते हैं जो डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे, है ना, लेकिन वो उनका फिजिक्स में कोई मतलब लेना देना नहीं, मतलब वो फॉर्मूले फिजिक्स में किसी सर्कमस्टेंस को नहीं शो करते, मतलब बाय फिजिकली वो दे आर रॉन्ग बट डायमेंशन दे आर राइट, तो कई बार ये भी होता है। तो ये जो दो चीजें हैं कि जो सारी बेस क्वांटिटी है उनके सबके डायमेंशन सेम होने चाहिए, और कई बार क्या होता है हमें ये अनाउंस नहीं करना चाहिए कि अगर कोई इक्वल है, कोई इक्वेशन की ओर है, कोई फॉर्मूला की ओर है, वो अगर डायमेंशन इक्वल है तो हमेशा ही सही होगा, वो कई बार गलत भी हो सकता है। ओके।